इंडिया 2.0 चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, जो भ्रष्टाचार का जीता जाता एक नमूना है। सर है, हम उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहिएगा इस बिल्डिंग में? सिर्फ एक शब्द, शमशान घाट। इसका नाम शमशान घाट से ज़्यादा उपयोगी, ज़्यादा अच्छा हो नहीं सकता है। बहुत अच्छा है, आप दिखाइए कैमरामैन को, बोलिए उनको दिखाने के लिए। बगल में वो प्रखंड सह अंचल कार्यालय है, ठीक यहाँ से दाईं ओर। और यहाँ पर जो भवन बना हुआ है वो जर्जर भवन होने को चला है, मिट्टी कबाड़। और इसको देख करके लगता ही नहीं है कि किसी अधिकारी का ये आवास या किसी सरकारी उपयोग के लायक अभी फ़िलहाल ये बचा है। ये जर्जर स्थिति रामगढ़ जिला के हर 2 किलोमीटर में एक बड़ा सरकारी भवन के रूप में खड़ा है। और इसका सिर्फ एक उद्देश्य था, ठेकेदारी करना, ठेकेदारी करके लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाना। आप इस भवन को देखिएगा तो लगता है किसी राजा महाराजे का आवास है। यदि इसको शुरू से उपयोग किया जाता तो निश्चित रूप से यहाँ पर आम जनता के उपयोग में होता या उनका उनके लाभ में इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ कोई रहना तो दूर की बात है, यहाँ आसपास भी कोई लोग जो है कहीं पर रहने का कोई यहाँ पर निशान मौजूद नहीं है। और आप जिस व्यक्ति के लिए, जिस विभाग के लिए, जिस काम के लिए ये भवन अलॉट किया गया था, उसे आपको यहाँ पर पूरा कभी शुरू तक नहीं हुआ। नतीजा ये है कि जो दरवाजे हैं, खिड़की है, दीवार है, सब जर्जर हो गए। और अभी आप देखिएगा फिर से रिनोवेशन के नाम पे लाखों करोड़ों का टेंडर निकलेगा। अभी यहाँ पर आप वर्तमान में देखिए सांप, छुछुंदर, बिल्ली आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन कहीं पर कोई सरकारी उपयोग, सरकारी धन का जो उपयोग किया गया था जिस काम के लिए, कहीं पर कोई अता पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या आम जनता का टैक्स का पैसा इसी तरह बर्बाद करने के लिए है? इससे पहले, इससे पूर्व रघुवर दास की सरकार थी, वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है। जो भी अनियमितताएं हुए हैं, जो भी दोषी हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको जेल भेजा जाए। धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं इधर जो ब्लॉक है उसका बगल में उधर भी बिल्डिंग है और इधर ही बिल्डिंग है। क्या उस बिल्डिंग की निगरानी के लिए दो दो बॉडीगार्ड बनाया गया था क्या बिल्डिंग को? ऐसी शोपीस के लिए अगर उपयोग में होता तो ये बिल्डिंग में कार्यरत होती है, ऐसी पड़ी हुई नहीं रहती। जब ये बिल्डिंग बनी उसके बाद में ये ग्राउंड को भी नहीं बनाया गया है। आप देख सकते हैं सारा बस ऐसा ही मिट्टी से ही जैसा वैसा ही है। इस पर केवल बिल्डिंग बनाया गया और छोड़ दिया गया और अपने अपने जेब में भर लिए गए। ठेकेदार को इससे फ़ायदा हो गया और कुछ नहीं हुआ। अगर वाकई में अगर इसका यूज होता तो ऐसा होता नहीं। बस हमारी जनता का पैसा जो टैक्स भरते हैं उस पैसे को बस बर्बाद किया जाता है। इस तरह ठेकेदारी की जाती है। क्या बने रहिए द इंडिया 2.0 के साथ। जय हिंद।